हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं कटोरी चाट की रेसिपी, वो भी बनारस स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बनारस में कटोरी चाट कैसे बनाई जाती है। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम कटोरी बना लेते हैं। उसके लिए हम मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ी सी अजवाइन, उसको ऐसे क्रश करके डालें जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालकर उसका मोन दे देंगे। मोन देने से हमारी जो कटोरी है वो एकदम खस्ता बनेंगी। तो देखिए, हमको मोन इतना देना है कि हमारे से मुट्ठी में आटा ले तो वो हल्का सा बाइंड हो जाए। तो हमें इतना मोन देना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। तो आटा को हम हल्का सख्ती गूंथेंगे। तो एक साथ ज्यादा पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा को गूंथ लें। तो देखिए, मैंने थोड़ा सख्त आटा गूंथ लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम चाट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए सफ़ेद वाले मटर लिए हैं, जो छोले वाले मटर आते हैं ना, वही इसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो लिए थे। उसके बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर स्वादानुसार उसको मैंने 4 से 5 सीटी तक पका लिया है। अब इधर मैंने गैस पे कढ़ाई को रखा है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम लगभग 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने पे हम इसमें जीरा डाल लेंगे। और जीरा तो थोड़ा भुन जाएगा तो हम इसमें 2 तेज पत्ता डाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे अदरक मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट बना लिया है, वो यहाँ पे डालकर थोड़ा भून लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम लोअर कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 पिंच हींग डाल लें। इसको थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल लें। अब इसमें हम पके हुए मटर डाल लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम पकाते समय मटर को वहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो हमारे बनारस में कटोरी चाट मिलते हैं ना, उसमें ये आप सफेद मटर वाले ही चाट पाएंगे। तो देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर। अब इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हमारा जो ये मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसे 1 मिनट के लिए ढक दें।
तो 10 मिनट हो चुके हैं आटे को ढके हुए। अब हम ढक्कन हटाकर इसे एक बार ऐसे मसल लेंगे। यहाँ पे हमें किसी भी ऑयल या पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा मसल लें। तो देखिए हमारा आटा एकदम सही लगा है, न ही एकदम सख्त है न ही एकदम नरम है। अब हम थोड़े से आटे को तोड़ लेंगे और उसके छोटे छोटे और टुकड़े कर कर उसके हम पेड़े बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो एक पेड़े को हम सूखे मैदे में डिप कर लेंगे और उसे हम बेल लेंगे। तो इसे हम पूरी की तरह बेल लेंगे, इसे हमको पतला बेलना है। तो ये सभी तरफ से एक समान बेलें। तो जितनी बड़ी कटोरी हो उस हिसाब से उतनी बड़ी आप पूरी बना लें। देखिए तो मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है। अब हम फोक की सहायता से इसे ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी कटोरी जब हम तलेंगे तो वो फूलेंगी नहीं, नहीं तो वो फूल के उनका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो अब इस तरह की आप कटोरी ले लें या फिर इस तरह की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें और उस कटोरी पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें जी ऐसे। और इस पे अब हम ऐसे अच्छे से जो हमने पूरी रोल की है उसको डालेंगे ऐसे, ताकि वो एक समान, मतलब कि सभी चारों तरफ से वो कवर हो सके हमारी स्टील वाली कटोरी। देखिए जहां पे थोड़ा मुड़ेगा उसको हम उंगली की सहायता से थोड़ा प्रेस कर देंगे, एक जगह पे ज्यादा न मोड़े, ऐसे हल्का हल्का धीरे बीच बीच में मोड़ लें। देखिए इस तरह से, देखिए मोड़ लेंगे हम। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसको ऐसे थोड़ा बीच में ऐसे कर ले, मतलब उसे अंदर की तरफ से झुका ले और फिर उसे ऐसे दबाकर आप उंगली की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से, या फिर आप इसे चाकू की सहायता से भी अच्छे से निकाल पाएंगे। तो देखिए चाकू को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे कर कर इसे कट कर ले। चाकू ऐसे अंदर की तरफ करके हम काट लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसको। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया। अब हमारी कटोरी देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह से दूसरी पूरी भी बेल लेंगे। और अब हम दूसरी कटोरी पे भी ऑयल लगाकर इसके ऊपर डाल लेंगे पूरी को। इसको अच्छे से इसे कवर कर दें। ठीक है, ऐसे जहां पे मुड़ेगा उसको हम ऐसे उंगली से हल्का हल्का ऐसे दबा देंगे। अब इसको आप चाहे तो ऐसे चकले पे थोड़ा ऐसे रोल भी कर देंगे तो भी जो जहां पे हमारा मुड़ा हुआ भाग है वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम चाकू से ऐसे निकाल देंगे।
है, तो मैं दूसरी कटोरी भी एकदम सही तैयार हो गई है। अब हमने पूरी पे ऐसे फोक को नहीं प्रेस किया था, तो आप चाहे तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कटोरी पे भी ऐसे प्रेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप मिस ना करें, नहीं तो भी कटोरी अच्छी नहीं बनेंगी, वो पूरी की तरह फिर फूल जाएगा। देखिए इस तरह से आप प्रेस कर लें, तो दो कटोरी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारा तेल एकदम सही टेम्परेचर पे एकदम हीट है, हमें इसे ज्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो कटोरी हमारी जल जाएंगी, वो अच्छे से नहीं बनेंगी। तो देखिए तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी को डाल लिया है, देखिए जब हमारा ऑयल हल्का मीडियम गर्म होगा तभी हम उसमें कटोरी को डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप इसे फोक की सहायता से ऐसे कटोरी को थोड़ा ऑयल में से थोड़ा डुबो दें, देखिए इस तरह से थोड़ा डिप कर दें। आप चाहे तो ज्यादा ऑयल भी डालकर कटोरी के बराबर आप उसको फ्राई कर सकते हैं, बट ये इतने ऑयल में भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इतने ही ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए बस इसको हमें हल्का सा ऐसे किनारों को उसके कटोरी के ऊपर वाले भाग को बस ऐसे ऑयल में थोड़ा डिप करना है, तो इसी तरह से चारों तरफ हम कटोरी को ऐसे ऑयल में डिप कर लेंगे। तो देखिए पकते ही देखिए किनारे से छोड़ने लगी है ना, तो सभी तरफ से वो हो जाएंगी ऑयल में गर्म, तो वो अपने आप कटोरी छोड़ देगी। देखिए सभी तरफ से घुमाते हुए इसके ऊपरी भाग को अच्छे से पका लें। देखिए तो हमारी कटोरी इसमें से अलग होने लगी है। अब हम इसे एक पकड़ की सहायता से ऐसे ऊपर से इसको पकड़ कर उसे, देखिए कटोरी हमारी एकदम आराम से निकल गई, और कटोरी को ऐसे पलट लें, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब हम इस कटोरी को भी पलट देंगे, तो देखिए एक साइड से हमारी कटोरी एकदम अच्छे से हो गई है। तो अब इसे पलट लेंगे हम, देखिए तो अच्छे से हो गई है एकदम गोल्डन ब्राउन। तो अब हम कटोरी को ऐसे पलट देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो अब इसमें हम दूसरी कटोरी को डाल लेते हैं, देखिए इसे भी हम फोक की सहायता से किनारों को ऑयल में डिप कर देंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सावधानी से करें। जी इस तरह से डिप कर देंगे हम,
अब हमारी कटोरी जो है देखिए अलग होने लगी है। अब इसे हम पकड़ की सहायता से स्टील वाली कटोरी को ऊपर की तरफ इसे खींच लेंगे। देखिए अब जो ऑयल है उसे निकाल दें। अब उस कटोरी को भी पलट दें। तो देखिए हमारी ये कटोरी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। हम निकालते समय ध्यान रखें कि आपको कटोरी उल्टी साइड ही निकालनी है। इसी तरह से हम सारी कटोरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दो कटोरी चाट हम तैयार कर लेते हैं सर्व करने के लिए। उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे में दही डाल लेंगे कटोरी में, उसके ऊपर से हरी चटनी डालेंगे और फिर मीठी चटनी। इससे क्या होगा कि आपको लास्ट तक एकदम टेस्ट एकदम पहले जैसा ही लगेगा। जैसा आपको टेस्ट फर्स्ट बाइट खाने पर लगेगा वैसे ही आपको लास्ट बाइट तक वैसे सेम टेस्ट आएगा। फिर इसमें मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू के से छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, वो यहाँ पे हम डाल लेंगे। फिर इसमें हमने जो छोले तैयार किए थे मटर वाले वो डाल लेंगे। अब इसके ऊपर से फिर से हम दही डाल लेंगे। और हरी तीखी चटनी, और फिर मीठी चटनी। अब इसमें इसके ऊपर से हम थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे और थोड़ा सा भुजिया वाला नमकीन। तो लीजिए आपका बनारसी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।